अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है, वीडियो को आप मुकम्मल देख कर के जाएँ, सुन कर के जाएँ। दोस्तों आज की खबर का उन्वान है कि मैयत के घर का खाना खाने का क्या हुक्म है। दोस्तों अगर किसी का यहाँ इंतकाल हो जाए और आज का जो मौजूदा हालात जो चल रहे हैं उसके चलते हुए इंतकाल जहाँ हो जाए उस मैयत के करीबी अजीज़ जो है वो पड़ोसी खाना बनाते हैं, तो उस खाने को जो मेहमान आने वाले हैं उसको खाने का क्या हुक्म है, क्या उस खाने को खा सकते हैं? तो इसकी बेहतर रहनुमाई के लिए आज हम रुख करेंगे दारुल उलूम देवबंद के फतवे की जानिब। दोस्तों एक साइंस दारुल उलूम देवबंद से सवाल करता है कि मैयत के घर खाने का क्या हुक्म है। सवाल नंबर एक, हमारे यहाँ किसी के फौत होने पर जनाजा उठने के बाद आने वाले सब मेहमानों को खाना खिलाया जाता है जिसका इंतज़ाम मैयत के करीबी आजीज़ करते हैं और ऐसा 3 दिन तक करते हैं। इस खाने को खाया तो कफ़ारे का क्या हुक्म है? नंबर दो, एक जगह पढ़ा था कि मैयत के घर खाने से दिल मुर्दा हो जाता है, इरादा किया जो भी हो जाए मैयत के घर खाना नहीं खाऊँगा। एक बार जिनको खाते देखा तो दिल में ख्याल आया कि इससे तो दिल मुर्दा हो जाता है, ये कितने शौक से खा रहे हैं, इनको मालूम नहीं है, कभी मुनासिब मौका होगा तो बातों बातों में ज़िक्र करूँगा। लेकिन चंद माह बाद उन्हीं के घर फौतगी होने पर जाना हुआ और भूख ना होने के बावजूद खाना खाने बैठा। जनाजा जोहर के बाद था तो मैयत के लवाहिकीन ने दूर से आने वालों के लिए अपने खर्च से नाश्ते का इंतज़ाम भी किया था। नाश्ता करने की भी गलती हुई जबकि कुछ खाने का इरादा नहीं था, क्या किया जाए? अब अक्सर मामलात में ऐसा होता है कि जिस चीज़ को बुरा और नामुनासिब समझते हैं दूसरों को मुबतला देखकर अच्छा नहीं समझते, ना चाहने के बावजूद खुद उसमें मुलव्विस हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? अब दारुल उलूम देवबंद जवाब में क्या लिखता है दोस्तों, ये बहुत अहम है, सुन कर के जाएं। आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ भी सकते हैं। दारुल उलूम जवाब में लिखता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैयत के घर का खाना खाने से दिल मुर्दा हो जाता है, ये बात हमारी नज़र से कहीं नहीं गुजरी। जो लोग दूर दराज से जनाजे में शिरकत के लिए आते हैं और किसी वजह से वो वापस नहीं हो सकते, अहले मैयत या उनके करीबी आइज़ा उनके लिए खाने का नज़्म कर दें तो उसमें मज़ायका नहीं है, यानी कि कोई हर्ज नहीं है और उनके लिए मैयत के घर खाने में हर्ज नहीं। आवाम में ये मशहूर है कि 3 रोज़ तक अहले मैयत के घर कोई चीज़ ना खाई जाए, ये गलत और बेअसल है। हाँ, जो बात मकरूह और बिदअत है वो ये कि गम के इस मौके पर खुशी व मसर्रत की तरह बाज़ाब्ता खाने का दस्तरखान सजाना मना है, इसी तरह तेजा 10वां 40वां वगैरह करना ये सब दुरुस्त नहीं। नीज़ आपके यहाँ जनाजा उठने के बाद आने वाले सभी मेहमानों को जो खाना खिलाया जाता है अगर इसमें करीब व बईद हर तरह के लोग शरीक होते हैं तो इसका रिवाज बना हुआ है तो ये भी लायक तर्क है। बहरहाल अगर कोई रस्मों रिवाज का खाना खा ले तो उस पर कोई माली कफ़ारा नहीं आइंदा, इससे एहतियात रखें। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। दोस्तों ये बहुत अहम सवाल था जिसके मुतालिक दारुल उलूम देवबंद ने जवाब दिया, ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा था। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर दें अपने ग्रुपों के अंदर ताकि ये वीडियो तमाम लोगों तक पहुँच जाए और इसके बारे में असल जो सच्चाई और जो हमारे उलमा देवबंद का फतवा है वो तमाम लोगों तक पहुँच जाए। तो इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, आप तमाम लोग अपना ख्याल रखें। मैं हूँ आप सबका मेज़बान मोहम्मद इमलाक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।